नीच सहज स्वरूप काशी हिंदू विश्वविद्यालय श्री रिटायर्ड और मैं सर्वप्रथम बाबा शंकर मोचन को नतमस्तक करते हुए इस संगीत समारोह में, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि एक चित्रकला प्रदर्शनी का या कैंप का शिविर का आयोजन विगत वर्षों से होता चला आ रहा है। कुछ वर्ष दो वर्ष कोरोना के कारण रुक गया, इस बार अवसर मिला। इससे हमारे बच्चों को मैं मुझको भी ये एक वो मिलता है कि आत्मनिर्भर होने के कई तरीके हैं, उसमें चित्रकला भी है। चाहे आप नेफ्ट में जाएं, चाहे पोर्ट्रेट में जाएं, चाहे लैंडस्केप में जाएं, आप जिधर भी जाएंगे, अगर आप सही में कलाकार हैं तो इसमें आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं और बड़े आराम से आप पूरा। इसलिए यह कैंप आवश्यक है और इस पर हम मनाते हैं कि बाबा शंकर मोचन का या कह लीजिए संगीत समारोह के द्वारा हमको बाबा आशीर्वाद दें। ऐसे ही हमारे लड़के लड़कियां लगे रहें और चित्रों को बनाते रहें, साथ में संगीत का स्वागत करें। देखिए, हम लोग इस भौतिक दुनिया में हैं और संकट इसी तरह आती है। जो दो साल का संकट था वो छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा संकट था और उसमें बहुत से अपनों को हम लोगों ने खोया है। और आप देखिए तो दो वर्षों में लोग पता नहीं क्यों ड्रामेटिक कंडीशन में चले गए थे, एकदम एक जगह कहीं भगा रहना, फिर कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोगों ने दो साल तो हिम्मत बांध के हनुमान जी की कृपा से ऑनलाइन का हम लोगों ने पहली बार हम ही लोगों ने शुरुआत किया, क्योंकि ये एक पारंपरिक उत्सव है और पिछले 97 साल से चला आ रहा था। तो दो साल ये ऑनलाइन मोड में हुआ कि हमारे मन में ये भी था कि कंटिन्यूटी न ब्रेक हो। और देखिए 99वां साल जो है वो ऑफलाइन हो रहा है, सबके चेहरे पे हम खुशी देख रहे हैं और हमको लगता है कि ये ट्रॉमा के अंदर जो स्ट्रेस कंडीशन में लोग जी रहे थे अब पूरे रिलैक्स हैं और हनुमान जी महाराज जरूर सब पर कृपा करेंगे। और देखिए ये जो पैंडमिक है या कोरोना का आप जो दंश कह रहे हैं, इसका भी इलाज हनुमान जी ही हैं, तो यहाँ सब हनुमान जी के कृपा पात्र बनेंगे और ये उत्सव ऐसे ही चलता रहे। और हम समझते हैं कि देखिए एक बहुत बड़ा माध्यम है जो आपस में लोग आके जुड़ते हैं, अपने आर्टिस्ट से इंटरेक्ट करते हैं। और आप धर्म और मजहब की बात कर रहे हैं तो देखिए मंदिर का काम है कि सबको इंटीग्रेट करके एक साथ रखना, तो उस पर्पज़ में हम देख रहे हैं कि कितने मुस्लिम आर्टिस्ट परफॉर्म किए, हिंदू आर्टिस्ट परफॉर्म किए, ऐसे करके सारे धर्म पंथ इसमें सब आके सब एक हो जाए। संगीत की देखिए कोई भाषा नहीं होती है, तो हम समझते हैं कि ये मंदिर का ही ये सेंटर ऐसा है जहाँ सबको एक साथ एक जगह ले आके बैठा दिया और कितने प्रेम से लोग सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यही तो हमारा भारत का एक स्वरूप है, तो ये स्वरूप ऐसे ही निखरता रहे और हमारा देश आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। महाराज जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक ही स्थान पे सभी को यहाँ पे लाके बैठाया गया और बड़ा आयोजन समाप्त हुआ है, इस आयोजन में एक चीज़ और भी देखी गई कि सभी धर्म समुदाय के लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी, तो आज इस समापन में क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को? भाई, हम तो यही कहेंगे कि सबको जो है एक कॉमन एजेंडा लेके चलना चाहिए। देश ये बहुत विशाल है, इसके बहुत से डायमेंशन है, हम समझते हैं कि सबको साथ मिलजुल कर एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि ये विविधताओं से भरा हुआ देश है लेकिन देश एक है।
और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वो भक्ति देखिए, आप फिल्मी गाना गाएं या जो लाइट म्यूजिक कहते हैं, लेकिन सबकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो शास्त्रीय संगीत की है, तो वो कहीं ना कहीं उनके मतलब मन मस्तिष्क में वो रहता है और ऐसे प्लेटफॉर्म को वो खोजते हैं ताकि उनकी एक पहचान भी बनी रह सके। और यहाँ के लोग बहुत मतलब अद्भुत वो महसूस करते हैं, जैसे अनूप जलोटा जी तो कहते हैं कि हम आते हैं अपने को रिचार्ज करने के लिए, तो ऐसे प्रस्तुति देते हैं, तो हैं तो बेसिकली वो शास्त्रीय संगीत के। क्या फिर एक बार गुलाम अली को सुनने का अवसर मिलेगा यहाँ पे लोगों को? अब ये आप तो वही कोई विवादित चीज़ ले आके, जैसे गुलाम अली आए थे तो क्या क्या बवाल हुआ था आपको मालूम है, तो आप क्यों डेलिब्रेटली कुछ इस तरह की बात आप करना चाहते हैं? आप संगीत आ जाए हैं, संगीत सुनिए, इसमें संगीत में पॉलिटिक्स मत डालिए, और पॉलिटिक्स डालेंगे तो संगीत का स्वाद सब फीका हो जाएगा। महाराज, 100वां वर्ष किस तरह भव्य होने वाला है? अब ये तो भविष्य के उसमें है, गर्भ में है, अभी हम उसको कुछ नहीं बताएंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।